चैनल एंजल गैबल चाह रहे हैं स्टूडेंट दिस वीडियो फॉर पाइसेस ज़ोडिक साइन मीन राशि के जातकों का 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक के लिए क्या मैसेजेस हैं एंजल्स की तरफ से मैं देखना चाहूंगी और लास्ट 15 डेज हैं साल के 2021 के मेरे आसपास जो कोई डिवाइन एनर्जीज हैं पॉजिटिव एनर्जीज हैं प्लीज मुझे बताएं कि मेन जिनकी राशि है पाइसेस ज़ोडिक साइन उनका 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक का समय कैसा जाएगा क्या मैसेजेस हैं एंजल्स की तरफ से और फ्रॉम द ओरेकल हीलिंग कार्ड्स आल्सो आई विल सी दैट व्हाट इज गोइंग ऑन फॉर 15 डेज आपको क्या करना है। फर्स्ट कार्ड जो यहाँ पे शो कर रहा है इस वक्त आप किसी प्रॉब्लम में फंसते हुए नजर आ रहे हैं फाउंडेशंस बहुत हैं किसी प्रॉब्लम में आप फंस जाएंगे और निकलना बहुत चाहेंगे निकल नहीं पाएंगे प्रॉब्लम जैसे फाउंडेशन मुझको करियर भी संभालना है मुझे अपने घर भी संभालना है मुझको जो है इतने सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी आपके आपके दिमाग में कि आप समझ नहीं पाएंगे मुझे क्या करना है आप समझ नहीं पाएंगे कि मुझे प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलना है प्रॉब्लम में फंसते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त आप और यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका किसी के साथ झगड़ा हो सकता है फाइटिंग में मत रहिएगा गुस्सा बहुत तेज आएगा आपको थोड़ा सा कंट्रोल करिए और इसमें यह है कि इसमें ओरेकल हीलिंग कार्ड के थ्रू मैं देखूंगी क्या मैसेजेस हैं लेकिन मैं आपको वार्न कर दूं कि किसी झगड़े में मत पड़ जाइएगा फाइटिंग में मत पड़ेगा गुस्सा बहुत तेज आएगा जिसकी वजह से हो सकता है कि आप अपनी प्रोग्रेस जो है वो थोड़ी सी कम अपनी वजह से ना कर लें तो प्रोग्रेस करने की तो बहुत कोशिश करेंगे हो सकता है कुछ हद तक कुछ लेवल तक आप प्रोग्रेस करें अपनी लाइफ में सक्सेस पाएं लेकिन यहाँ ये भी दिखा रहा है कि आप बहुत सिचुएशन से दूर भागने की कोशिश करेंगे आपको लगेगा कि मैं ये दुनिया छोड़े कहीं और अपनी जो है एक अलग दुनिया बसाऊं कहीं और जा करके हो सकता है कि आप अपनी वाइफ के साथ हो सकता है कि आप या अकेले ही यहाँ दिखा रहा है कि कहीं दूर जाने की कोशिश करेंगे कहीं दूर जाके घर लेने की कोशिश करेंगे या यहाँ अगर आप पढ़ाई से परेशान हो गए हैं स्टूडेंट्स हैं तो हो सकता है कि आप अलग रूम में अकेले बैठने की कोशिश करें कि मुझे अकेलापन थोड़ा सा चाहिए ये चीज़ यहाँ ये शो कर रहा है और इसमें ये भी है कि इस वक्त आप अपना अपना पर्सनल लाइफ और अपनी करियर दोनों को मैनेज करते हुए नजर आएंगे लेकिन स्ट्रगल बहुत है आप अपना घर भी देखेंगे नो डाउट आप अपने हस्बैंड अगर आप अपना मैरिज लाइफ भी देखेंगे अगर मैरिड नहीं है तो आप अपनी पर्सनल लाइफ भी देखेंगे करियर को भी देखेंगे लेकिन स्ट्रगल बहुत रहेगा मेहनत बहुत करनी पड़ेगी आपको स्ट्रगल करिए नो डाउट स्ट्रगल करना अच्छी बात है और लेकिन अब मैं आपका देख लेती हूँ ओरेकल हीलिंग कार्ड्स के थ्रू दीज आर ओनली पॉजिटिव कार्ड्स एंड व्हाट यू हैव टू डू एक्चुअली दैट आई विल सी व्हाट इज द मैसेज इज कमिंग फ्रॉम द एंजल्स दैट व्हाट यू कैन डू फॉर द 15 डेज फर्स्ट कार्ड जो है दिखा रहा है आप थोड़ा सा अपने लाइफ में मुझे लगता है एंजॉयमेंट नहीं कर रहे हैं प्लेजर को एंजॉय नहीं कर रहे हैं बहुत बाउंडेशंस कर ली हैं आपने अपने जैसे कि उसमें दिखा रहा है थोड़ा सा अपने माइंड को थोड़ा सा खुशी खुशियों से भर गया ऐसा मत करिए कि मुझे अपने फ्रेंड सर्कल के साथ नहीं जाना या मुझको एंजॉय नहीं करनी लाइफ या मैं अपने लवमेट के साथ घूमने नहीं जाऊँगा या मैं अपनी वाइफ या हस्बैंड के साथ घूमने नहीं जाऊँगी या नहीं जाऊँगा बिल्कुल जाइए एक्सकर्शन पर जाइए अपना जो टेंशन है उसको वहीं छोड़ के कहीं आ जाइए और तब देखिएगा आपका लाइफ में प्लेजर नज़र आ रहा है खुशियों को एंजॉय करिए मूवी देखिए बाहर नहीं जा पा रहे घर में ही देख लीजिए अकेले ही बैठ के देख लीजिए गार्डन में घूमिए थोड़ा सा फ्लावर्स थोड़ा सा गाने थोड़े से फ्लावर्स को एंजॉय करिए गार्डन में ही बहुत अच्छा होता है और जो भी आपको रिलैक्सेशन के लिए अच्छा लगता है आप अपना इस वक्त थोड़ा सा पैशन होके स्मार्टली काम करिए तब आप खुश रह पाएंगे यहाँ पे प्लेजर का कार्ड आया हुआ है और आपकी जो इस वक्त एनर्जी है वही रिफ्लेक्ट करेगी जैसा आप जो है पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे वैसे ही आप जो है रिफ्लेक्ट करेंगे वही एनर्जी आपकी रिफ्लेक्ट करेगी इसे नेगेटिव बिल्कुल मत होइएगा और यहाँ पे आपको ये मैसेज है कि जिस सिचुएशन में आप अभी हैं बस वहीं पे रहिए कन्फ्यूजन मत माइंड में क्रिएट करिएगा डोंट बी जस्ट कन्फ्यूज दैट व्हाट आई हैव टू डू एंड वेदर आई विल चूज दैट सिचुएशन और वेदर आई विल चूज दैट सिचुएशन नहीं आपको जो इंट्यूशन इस वक्त कह रही है जो आपकी अंतर आत्मा कह रही है कि मुझको ये चीज़ करनी है मुझको ये चीज़ स्टेबिलिटी बना के रखिए ये काम आप तभी कर पाएंगे मैं फिर से बता दूं कि जब आपका माइंड और मन दोनों शांत हो कूल और काम रहिए देखिए सिचुएशन को परखिए क्या चीज़ आपके लाइफ में स्टेबिलिटी ला सकती है बस वही वही चीज़ यहाँ पे नीडेड है ये चीज़ यहाँ दिख रहा है यहाँ पे कि आपको हो सकता है समझ में ना आए एक रास्ते पे जा करके कि मुझको क्या करना है लेकिन
आपको ये चाहिए कि आप जिस सिचुएशन में भी हैं बस वहीं पे रहिए, वहीं पे रुक करके देखिए कि आपको क्या नीडेड है। इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा, जहाँ आप सिचुएशन में हैं वैसे ही रहिए। आपका यहाँ पे बहुत अच्छा मैसेज है, यू हैव गॉट द प्रोटेक्शन फ्रॉम द एंजल्स। आपको इस वक्त एंजल्स की तरफ से प्रोटेक्शन मिल रहा है, तो स्पिरिचुअल बनिए, स्पिरिचुअल रहिए, दिलो दिमाग को शांत रखिए, तब कनेक्ट कर पाएंगे अपने सोल को अपने, क्योंकि तो वही मीडियम होता है जहाँ से एंजल्स आपको मैसेज कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि अपने दिल और दिमाग को बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हुए अपने मन को शांत रखिए, क्योंकि इस वक्त प्रोटेक्शन का अगर कार्ड आया है दैट मीन्स आपको इस वक्त ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर, और कुछ मिरेकल हो सकता है, एकदम से कोई चीज़ आ जाएगी, जादुई चीज़ एकदम से जादू हो जाएगा, अरे ये चीज़ एकदम से मेरे सामने कैसे आ गई या मुझको कैसे मिल गई, ये चीज़ मिरेकल हो सकता है आपके साथ 15 डेज के लिए, एक अच्छे वे में हो सकता है, और इसको एंजॉय करिएगा। और व्यू फ्रॉम द अबव दैट मीन्स कि व्हाट इज़ हैपनिंग जस्ट डोंट इन्वॉल्व योर सेल्फ इन एनी इश्यूज एंड फाइट, पहले जस्ट व्यू फ्रॉम द अबव दैट व्हाट इज हैपनिंग एंड जस्ट देन डिसाइडेड व्हाट यू हैव टू डू। ऊपर ऊपर से एक बार अबव से देखिए, इन्वॉल्व मत करिए अपने आप को झगड़े में, अपने आप को फाइटिंग्स में, इश्यूज में, पहले सिचुएशन को देखिए, परखिए ऊपर ऊपर से कि मुझको क्या करना है, इन्वॉल्व होना है या नहीं होना है, या दूर खड़े हो जाइए, ये देखिए पहले, समझिए, रोकिए अपने आप को, क्योंकि तो कई बार ऐसा होता है कि हम इन्वॉल्व हो जाते हैं किसी इशू में और फिर हम अपना काम बिगाड़ देते हैं, तो ऐसा मत करिएगा। मैं आपका लव मेट के साथ देख लेती हूँ कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं हीलिंग करने की और रिलेशनशिप में। तकाल यहाँ पे कार्ड फॉल हुआ है, दैट मीन्स कि मैं इसको कंसिडर करूँगी एंड टू अदर कार्ड्स ऑल्सो। मैं अगर बात करूँ इस वक्त अगेन वही सेम मैसेज है, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को ज़रूर सुनिए, आपके रिलेशनशिप में भी यहाँ शो कर रहा है, इट इज़ शोइंग इन योर रिलेशनशिप ऑल्सो। जस्ट लिसन टू योर स्पिरिट इन योर इंट्यूशन, दैट इंट्यूशन विल टेल यू दैट वॉट यू हैव टू डू, वॉट इज़ गुड एंड वॉट इज़ बैड योर रिलेशनशिप, आपके लिए रिलेशनशिप को हेल्दी बनाने के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये सब चीज़ आपकी स्पिरिट इस वक्त बताएगी, आपको खुद पता चलेगा, आप देखिएगा। और इसमें ये भी मैसेज है, कोई नया जना आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, जस्ट वेलकम दैट पर्सन। अगर आप यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि कपल्स जो हैं वो न्यू चाइल्ड के लिए भी प्लानिंग कर सकते हैं, हो सकता है प्रेगनेंसी के आसपास कहीं खुशखबरी की न्यूज़ आ सकती है, तो कोई नया जना आपके ज़िंदगी में आ सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है कि कोई फ्रेंड या कोई सपोर्ट करने वाला, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको सपोर्ट करने वाला आने वाला है, जस्ट वेलकम दैट पर्सन। और यहाँ पे अपने रिलेशनशिप में जैसे वॉरियर होता है ना, अपने रिश्ते को जद्दोजहद करके एफर्ट डाल किस तरह से निभाता है, बस वही एफर्ट डालना है आपको इस वक्त यहाँ पे, करिएगा, बिल्कुल करिएगा, अगर आप चाहते हैं कि रिश्ता बना रहे लव मेट के साथ। और यहाँ पे इनिशियल स्टेप आपको उठाना है, दैट मीन्स कि इंतजार मत करेगा कि अगला जना मुझे कॉल करे या अगला जना कुछ बोले, नहीं, आप अपनी तरफ से एफर्ट डालिए सबसे पहले, यहाँ पे नीडेड है, दिस इज नीडेड फ्रॉम योर साइड, दैट यू हैव टू बी पुट द इनिशियल स्टेप फ्रॉम योर साइड फर्स्ट, देन दे योर रिलेशनशिप विल वर्क। आई थिंक मैसेज इज वेरी क्लियर फ्रॉम द एंजल्स, थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।